हेलो नमस्कार दोस्तों, आज तो बड़े खुश हो गए होंगे। एसएससी ने सीटी की आंसर की वो सॉरी ओएमआर सीट डाल दी है, चेक कर लो। आपका मेल मेल पे आई हुई है, जितना भी आपका स्कोर बन रहा हो देख लें। और इस बार जो आपने सी का दिया था ना, सीटी ग्रुप सी में जो एग्ज़ाम दिया था, उसमें जिन बच्चों का स्कोर अच्छा वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनका स्कोर कम था वो एक बार ध्यान से सुन लें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा जीके नेशनल जीके पे काम कर रहे थे, उन्होंने रीजनिंग और मैथ पे काम नहीं किया। मैं पढ़ाता था, बोलते थे 3 4 क्वेश्चन आएंगे और 3 से 4 क्वेश्चन हम कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन 15 आए थे मैथ के और इस बार भी 15 ही आएंगे। तो जिन बच्चों का ना मैथमेटिक्स कमज़ोर है उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ, अपना ये बैच है, ये वाला बैच, ये 12 तारीख से शुरू हो रहा है, अभी 12 दिसंबर से, ठीक है, 12 दिसंबर से ये बैच शुरू हो रहा है, हरियाणा सिटी मैथ स्पेशल। स्पेशल और स्पेशल मैथ्स का है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैथ्स है। और इस बैच की क्या क्या खास बातें हैं, सारी क्लासेस लाइव रहेंगी। कहाँ पे रहेंगी अपने, मैं नाम बता देता हूँ अपने उसका ऐप का, शिक्षा युग ध्यान पे, और इसका ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, शिक्षा युग, ठीक है, 2.0, ध्यान रखना, शिक्षा युग 2.0। शिक्षा युग के नाम से हमारे दो ऐप हैं, शिक्षा युग 2.0 पे लाइव क्लासेस होंगी। शिक्षा युग 2.0 पे क्या क्या रहेगा, लाइव क्लासेस रहेंगी, क्लास जो पढ़ाई जाएगी उसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। ये सबसे खास बात है, क्योंकि पिछली बार स्टूडेंट्स ने ये बड़ा रिकमेंड किया था मुझे कि टॉपिक वाइज टाइप वाइज ये क्वेश्चन करवाओ। टॉपिक वाइज तो होंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन करवाओ, क्योंकि हमारे टाइप क्लियर नहीं है। और इसकी फीस जो रखी गई है ना, वो मात्र 149 है, 149 रुपये है। और इसमें क्या क्या है, 2100 प्लस क्वेश्चन है, 2100 प्लस क्वेश्चन है, टाइप करवा के आपकी पूरी फाइल तैयार है, ठीक है। लगे हुए टीम कुछ अपने तैयार हो गए, कुछ और हो जाएंगे जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होने को होगा। तो अगर आप मैथ्स अपना चाहते स्ट्रॉन्ग करना, अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस बैच को आप ज्वाइन जरूर करें। और ये बात थी अपनी वो कि आपकी जो मेल है वो वहाँ चेक करें, आपका सीईटी का, ठीक है। आपकी सीईटी की ओएमआर सीट, ओएमआर सीट डाउनलोड करें और अपना स्कोर चेक कर लें। और जिन बच्चों का यहाँ स्कोर अच्छा रहा ना, गुड है, तो टेंशन मत लें। और जिनका स्कोर डाउन है ना, तो वो मैं फिर बता रहा हूँ कि इस बार ध्यान दे, लास्ट चांस, पता नहीं अगला पेपर अभी 2 3 साल में जाके हुआ, 2020 में अनाउंसमेंट की थी, 22 के लास्ट में हुआ है, 20 निकाल दिया, 21 निकाल दिया, 22 के लास्ट में, करीब करीब 2.5 साल में एग्जाम हो सकता है अगला कब हो। तो अपना ना स्ट्रोंग मेथड अपनाएं, अपने ना क्वालिटी बढ़ाएं, पढ़ने की क्षमता बढ़ाएं, इफिशियंसी बढ़ाएं, और ध्यान रखें इस बार का डी ग्रुप का जो है वो आपका बिल्कुल हल्के में नहीं जाना चाहिए। जिनका बिल्कुल हल्का हो गया था ना सी, तो इस बार ध्यान दें, वो डी पे ध्यान दें। थैंक यू।